शीर्षक बा जला जल में भूकंप की उत्पत्ति। उधर तो आप लोग सुन ली, भोलेनाथ जहाँ बाथरूम करे वही जगह सोना हीरा जवाहरात निकले लगे। ये जितना ईंट पत्थर रहे सब हीरा बन जाए। लेकिन इधर ऐसा कोनो बात नहीं बा, लेकिन बिरा आखिरी में आप लोगन के एगो बड़ी अनमोल बात मिली बा। और एक चीज और, ई बिरा में एक युग के ना चार युग के कहानी मिली। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, चार लाइन कवि जी भूमिका के भाव में लिखत होवन। जब प्रकृति ने पले पे था पहरा दिया तो प्रासी चेरो रहा था बिरह भाव में। आते रहा साथ ना कोई अनुराग में, सुन रही थी प्रभावी बड़े भाव से। अल्ले के साहस चला कोई अति भेग में, अजग गई आस था की अलोकती लहर। आए आके जनमानस में दिन हो गया, जो सृष्टि में ऐसा मचाया कहर। एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में लिखत हुआ। लोग बतावे लेंगे सुहागन एक तरह का ना बा, दुई तरह के होले बा, लेकिन कैसन सुहागन होली मास्टर कहना बा। अब पिया जिसको चाहे सुहागन वही जिसको चाहे सुहागन वही है। अजल जो बिरह में अभागन वही सुहागन वही है। जले जो बिरह में अभागन वही है। आज का जमाना बदल गई बा। पहले के जमाने में एक मेहरारू रहे, बहुत रखे तो दू गो। आज कल तो दू मेहरारू, तीन मेहरारू, ये कुल तो फैशन हो गई बा। बियाह तीन चार गो तो एकदम फैशन हो गई बा। पहले के घर रखला हुआ बतावत हमें कि जा तनी तनी बजारे पहुंच गए दूसरकी के पास, तीसरकी से फोन पे बतियावत हमें, चौथी के आ गए तो कहले तनी तू होल्ड रह घर से फोन आवत ह। लेकिन कहना बा बड़ा सुंदर कवि जी भाव में लिखत हवन कैसे। संगम लाल महिमा स्टूडियो संगम लाल पटेल महिमा स्टूडियो 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम भैया के स्टूडियो खूब धुआंधार चले। अच्छा प्रतापगढ़ से आयल हुआ, लेकिन कहना बा जमी जल रही थी गगन जल रहा।
गगन जल रहा, अशक्तियों के शब्द से चमन जल रहा। से सारा चमन जल रहा था, यही से कहानी की शुरुआत हो गई। प्रजापति श्री दक्ष ने जबी भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं देते। इस बात का पता लगाने के लिए माता सती अपने मायके में पहुंचती है। ये बात सुन के भोलेनाथ क्रोधित हो गए कि अगर निमंत्रण नहीं मिला तो सती अपने मायके में क्यों गई है। पहुंच जाते हैं ससुराल में, लेकिन कोई सम्मान नहीं करता है। स्वयं राजा दक्ष जी अपने दामाद भोलेनाथ का अपमान करते हैं। पति का अपमान सती को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसी हवन कुंड में कूद के माता सती अपना प्राण त्याग देती है। मृतक शरीर को लेके भोलेनाथ पूरी सृष्टि की परिक्रमा लगा रहे हैं। सभी देवी देवताओं में हड़कंप मच गया। अब क्या किया जाए, पूरी सृष्टि में परले मचने लगा। वो इस समय विष्णु भगवान एगो उपाय कैले हमन। कवन उपाय? गीत बदल गई मास्टर। बड़ा पुरान गीत है, बब्बा लोगन के जमाने का। कोनो लड़की के देख के कोनो लड़का कहे कि गोरी तोरी मुस्की जवनिया रे, अगोरी तोरी मुस्की जवनिया रे, आरा बनिया हिला मनोरंजन के लिए। तनी मेन भाव में देखी का होत। मृतक शरीर के लेके भोलेनाथ पूरी सृष्टि का परिक्रमा करत हवन। देवी देवता में हड़कंप मच गई, लेकिन उस समय का भइल, सुन के सती के मां रनवा हो, ए!
सुन के सती के माँ रनवा हो ही लल इंद्र सला विष्णु भगवान अपन चक्र सुदर्शन छोड़ दले चक्र सुदर्शन जाके माता सती के हर अंग के खंड खंड में करे लगल लेकिन कवन अंग का गिरल बा ई आभाही माले से जाके टकराई भैले पार्वती के जन्म हो आ भैले पार्वती के जन्म हो ही लल इंद्र माता सती का अंग कट कट के नीचे गिरने लगा माता सती का एक अंग कड़े में गिरा जहाँ माँ कड़े वासनी माँ शीतला के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है एक अंग मैहर में गिरा जहाँ मैहर वाली माँ शारदा के नाम से जानी जाती है एक अंग विंध्याचल में गिरा जहाँ माँ विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है जहाँ जहाँ माता सती का अंग गिरता है वहाँ देवियों का वास हो गया लेकिन एक अंग जा के आभा हिमालय से टकरा के मैना महतारी के गर्भ में समाहित हो वो गर्भ से पार्वती के जन्म भइल पार्वती के जन्म भइल कुछ दिन गुजरल नारद जी अगुवाई कैले भोलेनाथ से भी याद तय हो गई आज भोलेनाथ से भी याद तय हो गई भोलेनाथ दुलही लिया के कैलाश पर्वत पे चलल हुआ गीत बदल गई ये गीत आजकल के लइकन के बड़ा भावेला ए काहे हो नया नया जब बियाह होला ना बा काही भावेला पता बा पता बा शिव कुमार का ही भावेला हमें कहाँ मालूम बा नहीं मालूम है कब जाई चाहे आजकल के लइका कुल में हर भसुआ हो ले अरे उधर का छोड़ चक्कर सुना दुलहिन ससुरारी में आई परिवार वालन के नहीं देखा तो वे जाके पकड़ लेती अरे मोर रानी हो नैहर में तू कैसे रहलू तो ठीक ठाक बीतत रहल ना तई कुल होले मेहर बसुआ तई गीत आजकल के लइकन के बड़ा पसंदीदा दुलही ससुरारी गई ससुरारी से तीन दिन के बाद लौट के आई सोचे ले कहुना का डेट परा दी तब लो यही में एक महीना के मलमास लग गई अब वही में कहुना तनी आगे चल गई एक दो चार छह दिन बीतल एक दिन दुलहिन फोन लगाली कली हेलो हेलो काजी कैसे बानी रुआ कले तू बतावा तू कैसे बाड़ू कली हम तो ठीक बानी रुआ बताई ना कैसे बानी का हमार हाल जाने चाहो तुम जब छोड़ के चल गए तब नहीं चलत रहो तू जहिया से चल गए तू जहिया से चल गए घर में जाई ना तोहर कोनो समन में देख लो ना हमारे करे जब धक धक करे ना कल तब हो कली देख हम तोरा से मिले चाहतन बा कली ठीक बा आब कब आई बा आई राती की तोरे घर के पिछवारे बा दुलही कली ना ना
ऐसन मत करिए ना कि बहुत जब्बर कुटैबा वाह दुल्हन मना करे कैसे गौना के पहले दुल्हा ससुरारी आवे मना बा वाह कैसे तब बिना रे गवाना वा सजना कृष्ण कुमार रत्नाकर जी कले लॉकडाउन में जेबई खाली हो गई और रुपये नहीं रहल तो मेहरारू तो घरे से निकाल दे लॉकडाउन में तू वही नहीं बैठल रहे सब बैठल रहे मर्दवा ऐसे बुराई करब मेहरारू का जिंदगी भर कमात हुआ छह सात महीना न कमाब तो का कुल खर्चे में खत्म हो जाए ऐसा बात नहीं है सुना हमके तो सही में कोनो दिक्कत नहीं रहल सारा दिक्कत इनके और उनके रहल अब भाई राज तोहू के नहीं रहल ना इनहू के नहीं रहल सारा दिक्कत यही दोनों के रहल लेकिन कहना बाटे कि बिना रे गवाना वा सजाना वा ससुर अरिया कैलाश पर्वत पे लेके माता पार्वती के गई हवे कैसे आ शिव जी से भाई ले मिलाना आ शिव जी से भाई ले मिलाना आ गौरा जब गवाना ससुरारी में गई रही लेकिन इतने ना ओकरे आगे का भइल तो दोनों जन मनावे ले सु भाग पाली लती दोनों जन मनावे ले सु भाग पाली लती जब गवाना गईली हो सृष्टि के रचैया जगत के पालन हार पूरा दुनिया के भुला गेलन
सारे सृष्टि में हड़कंप मच गई। उस समय दोबारा विष्णु भगवान क्रोध में आ गए। दोबारा अपना चक्र सुदर्शन छोड़ते हैं और चक्र सुदर्शन जाके भोलेनाथ के अंग के खंड खंड में कर देले। उस समय पहला प्रमाण मिलल वही समय लिंग का विस्तार। लेकिन कहानी बन आ गया भाई आओ मास्टर आवश्यकता होला। लेकिन ओ समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता के साथ छोड़ देले। ओ समय माता सीता रो के कहले कि सिया जब गैली बी अपनवा अपमानवा कैले हो प्रभु सारा जग जहनवा अपमान जाके रोवत ही माई धरती के याद करके माई ई दुनिया में संसार में बहुत अपमान मिलल। अभी बिटिया के अपने गोद में स्थान दे दो। लेकिन लोग कहलन कि जितना किस्मत में जवन दुख झेले के होला वो के यही जगह झेले के पड़ी। लेकिन कहानी तनी आगे बढ़ल भाई का मास्टर गीत बदल गई। गीत के लहरी गुरु जी लहरी गुरु जी गीत के गावे बड़ा फेमस गीत है। कोनो यही गर्मी में कोनो लड़का के बियाह है। हाँ हो देसी कारोबार रहा।
हॉर्न फैन मिलल बिया है में बा अब बेनिया डोलावर डोलावर दुल्हा कहां तो जब दुखे लागल दुल्हे से कले तरी 5 मिनट रुक दुआरी से आवत है बा आ दुआरी गले मस्त पुरवैया हवा बहत रहल बा आ जीजा के पास सुतले तो सुतले रह गेलन जा मुर फुकौनो बा दुल्हन कहे कि 5 मिनट कितना देरी के कहे लन बा सुबेरे से सांझ हो गई सांझी से सुबह हो गई बा तब गुस्सिया के जब सुबेरे से ननद अली कली ए भौजी ए भौजी मिठाइया दे न रे बा कली कौन मिठाइया हो बा गुड़हिया जलेबी कली हौ रतिया वाली मिठाइया ए भौजी ए कली रतिया वाली मिठाइया तो तोहार भैया दुआरी सिरहानी के लेके सुतल हो तब दुल्हन का एक गुस्सिया के का कहे कि रतिया होले गरमिया ना डोले पवा राजा दुर्बत शिकार खेल बिया बना दर्शन सीता माँ के करबई दर्शन पहुंचे जाके सीता माता के समाना माना राजा दुर्पद जंगल में शिकार खेलत होवन लेकिन शिकार खेले में मन नहीं लगता कले अब यही जंगल में बैठ के तपस्या करब माता सीता जब प्रकट हो जाते को वरदान मांगे बा लगले वही जंगल में तपस्या करे माता सीता प्रकट हो गली जब माता सीता प्रकट भली कि माई ए माई ज्यादा कुछ न तो से ये कही चीज चाहिए हम इतने चाहता नहीं कि तू हमारे घरे एक बेरी हमारे बेटी के रूप में जन्म ले ला माई सीता कली तथास्तु जन्म ले लेकिन हम ना हमार परछाई हमार परछाई तोहर यहाँ तोहर बेटी के रूप में जन्म ले लेकिन कैसे गीत बदल गई टेरी के भाव में कहना बा किस सहनाई किसने छेड़ी बेसुरी असहनाई किसने छेड़ी बेसुरी अब में छिड़ी लड़ाई अंबर में हर साई हर साई हर साई अब में छिड़ी लड़ाई लंबर में हर साई सहनाई किसने छेड़ी बेसुरी चौक के भाव में कहना बा मास्टर जन्म हुआ रा
कर दिए खुशी हो के नाम रख ले द्रौपदी। द्रौपदी के धर्मराज जी जीत के ले उलन अपने माई से कहले कि माई देखा कुछ ले आई ले बा तो अरे खाती कुछ ले आई ले माई कली बेटा जवन ले आई हो तो पांचों में बांटला। द्रौपदी पांचों पतियन का पत्नी हो गई ले लेकिन आगे कहना का बा पापन के भाव में कहना बाजोने समय महाभारत में लड़ाई छिड़ल बा ओ समय के बाद कवि जी लिखत हवन अब मचल लड़ाई कौर भइले पारथ महाभारत में अब मचल लड़ाई कौर भइले पारथ महाभारत में कन्या वीर के बन गईले तब सारथ महाभारत में भगवान वेश बदल के ब्राह्मण का रूप पकड़ के गई लवे भिक्षा मांगे खातिर कांडे भिक्षा देवे लगल जमाने का सोने का दांत रहलु है दांत निकाल के विष्णु भगवान के देवे लगले लेकिन उस समय प्रभु कले कि दांत हमके जूठन ना चाहिए बाण निकाल के बाण मार के जब बाण गंगा निकलल वही में दांत धो के भगवान के दे दिले भगवान खुश होके कले जवन मांगे खोई मांगल उस समय द्रौपदी हाथ में तलवार लेके चंडी का रूप पकड़ के गईली कली एकरा के वरदान देते हुए एकरा के ये तो हमारा असली दुश्मन है मर्दवा यहाँ के बात ना वो ऐजा के बात हो रहल बा उस समय कली उसमें कले की जब तलक है कि हम मारे बनाए अपन लट ना बांधे कले तो हर इच्छा पूरी होई लेकिन अबे ना कब पूरा होई बताऊ ले आल्हा के भाव में कहना बा अल्लाह के तलवरिया दोवड़ी रानी द्रौपदी ये भैया भैया
हरियाली भारत नमाए भैया। लेके तलवार दौड़ ली द्रौपदी कर्ण के मारे खातिर। कृष्ण भगवान कर्ण के बचा ले कले की तुहार इच्छा पूरा हुई। लेकिन अब ही ना जब दूसर जन्म कलयुग में होई तब बतावत हम बात कलयुग में होई जब फिर से जन्म आए भैया। ब्याहन के आई है जब महुबा के ललन माए भैया। बदला चुकई है जन्म हुई पृथ्वी राज जी के बेटी बेलवा के रूप में। लेकिन ये ही कर्ण के दूसर जन्म मिली पृथ्वी राज के बेटा ताहर के रूप में। ब्रह्मा जब महोबा से ब्रह्मा शादी रचावे खाती रही हन वो इस समय तो हार बदला पूरा हुई। लेकिन कैसे सदर आल्हा में कहना बा कलयुग में होई जब फिर से जन्म आवा बेटी पृथ्वी राज के बेला हो पति कल के सती हो जाए। इधर कड़ी के दूसर जन्म मिला पृथ्वी राज के बेटा ताहर के रूप में। आय द्रौपदी के दूसर जन्म ही कलयुग में मिलल पृथ्वी राज के बेटी बेलवा के रूप में। ब्रह्मा शादी रचावे खाती चलल हवा दुल्हा बन के ताहर धोखा में जाके ब्रह्मा के पेट में छुरा घोप दिले। ब्रह्मा का मौत हो गई। जब ई बात के पता चलल बेलवा दुल्हीन बन के बैठा रही हाथ में कटार उठा लेली। हाथ में कटार उठा के घोड़ा पे घोड़सवार होके चल देली। प्रण कैली कि जब तलक ताहर के गर्दन ना काटे तब तलक हमारे पति के चिता पे ना लेटावल जाए। जाके अपने भाई ताहर के गर्दन काट लेली। खुद जवन पति बने वाला रले ब्रह्मा ब्रह्मा के लेके चिता पे लेटा के संगे सती हो गई। यही कलयुग में यही कलयुग में जब बेलवा अपने पति के लेके सती हो गई तो आखिरी प्रमाण में कहना बा सत्यवंती के सत्य
हाथ से काटल अच्छतिया हिली तो सत्यवंती सत्य सत्य से काटल अच्छतिया हिली तका पल बाटे अब धरतिया जगतिया ही इटली जापान चाहे होखे पाकिस्तान आ वही देश दुनिया में आवेला भूकंप हो असुर वीर सबही के हिम्मतिया हिली तक्का पल बाटे अब धरतिया जगतिया हिली जोने समय बेलवा अपने पति के लेके सती हो गई यही कलयुग में वो ही समय से भूकंप आवे चालू हो गए इटली जापान अमेरिका पाकिस्तान चाहे जहाँ भी हो उसी समय से भूकंप आना चालू हो गया आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का परिचय बा कहना बा अब पत्तु गुरु बिहारी छह बार डूब गए हैं काशीनाथ कहे सुखनंदन आंसू बहे कलम से सहनाई किसने छेड़ी बेसुरी सहनाई किसने छेड़ी बेसुरी तब प्रीति इंद्र वीर के रक्षक मई हर माई हो सहनाई किसने छेड़ी मुझे प्यार की जिंदगी देना।